ये लो मैडम, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू भैया। वैसे आपके कितने पैसे हो गए? अरे मैडम, ये आपके हाथ में फोन कौन सा है? ये फोन नहीं है, ये आईफोन है। और वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो उस फोन के बारे में? अरे मैडम, दो दिन बाद ना मेरी शादी की सालगिरह है, तो मेरी पत्नी ना मुझसे ये बोल रही थी कि उसको 3 कैमरे वाला फोन चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ उसको यही वाला फोन दे दूँ लाके। भैया, तुम्हारी औकात इस रोड पे चलने की नहीं, और सपने तुम आसमान में उड़ने के देख रहे हो। तुम्हें पता है ये फोन ही आईफोन है जो कि तुम्हारी औकात से बाहर है। तेरे को पता भी है ये आईफोन कितने का है? 1 लाख रुपए का। और तेरे को देख के लगता नहीं तो इतना पैसा पूरे साल में कमा पाएगा? अगर मेरी माने तो एक काम कर, कहीं रोड बोर्ड से 150 या 200 रुपए की साड़ी ले और अपनी बीवी को जाके दे दे, तू भी खुश और वो भी खुश। अरे भैया, आप यार ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्यों? तो फिर कैसे बोलूं? तेरी औकात 10,000 का फोन लेने की नहीं है और तू बात 1 लाख वाली फोन की कर रहा है। तेरी औकात से बाहर है कि आईफोन? देखिए मैडम, आप ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ओए, शुरुआत किसने की है? आईफोन लेने की औकात है नहीं और हमसे बकवास कर रहा है। अरे भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आईफोन लेने की मेरी भी औकात है। विशाल तो सुन रहा है इसकी बकवास, ये आईफोन खरीदने की बात कर रहा है जो कि इसकी औकात से बाहर है। देखिए मैडम, आप दोनों ना मेरे कस्टमर हो, इस वजह से मैं आप दोनों की बहुत इज्जत कर रहा हूँ, पर आप दोनों ना अब हद पार कर रहे हो। फालतू की बकवास मत कर, अपने काम के पैसे बता कितने पैसे हुए, और विशाल इसके मुंह पे फेंकिए मारो पैसे। बस मैडम, आपको पता भी है कौन हूँ मैं? क्यों, तू क्या अंबानी का रिश्तेदार है? दो कोड़ी का मैकेनिक। हाँ हूँ मैं 2 कोड़ी का मैकेनिक। फिर तुम दोनों क्या हो? हम दोनों ना आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छी पोस्ट पर। अच्छा, तो फिर 1 महीने में कितना कमा लेते हो? हमारी सैलरी 45,000 रुपए, वो भी तेरी सोच से ज्यादा। मैडम, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो करना नहीं चाहूंगा, बस मैं तुम्हारे को इतना ही बताऊंगा कि कुछ सालों पहले ना मैं भी छोटा मोटा मैकेनिक हुआ करता था, पर अब मेरे पास 10 गैराज है, वो भी अपने, और उसमें ना 70 से 80 लेबर काम करते हैं, और पर लेबर मैं उनको 10 से 15 हजार रुपए देता हूँ। मैडम, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं महीने में कितने रुपए कमाता होऊंगा। बस बोल लिया झूठ, हो गया तेरा। क्या बोल रहा था तू? तेरे 10 गैराज है तेरे खुद के, जिनके अंदर 70-80 लेबर काम करते हैं, और तू उनको 10,000 रुपए सैलरी देता है। तुम्हारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी एक लेबर नहीं आई मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए, और जो तू खुद आए मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए। चल सारी बातें छोड़ और ये बता तेरी आज की दिहाड़ी कितनी हुई? विशाल, इसके मुँह पे फेंक के मारो पैसे, उसको दफा करो। सही बोला जस्मी तुमने, दे ही देता हूँ इसकी दिहाड़ी, और हाँ ये ले ही लेगा आईफोन अपनी दिहाड़ी से, वो भी सपने में। तुझे आईफोन ही लेना है ना, तो तू ऐसा कर, मेरी बात मान, तेरे पास एक ही रास्ता है। तू ऐसा कर, केमिस्ट की दुकान पे जा और वहाँ से नींद की गोली ले ले। बहुत ही प्यारे प्यारे सपने देखे जिसके अंदर तू आईफोन ले ले, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तू हवाई जहाज खरीद ले, और मुकेश अंबानी का दामाद भी बन जाए। इन सब चीजों के पैसे भी नहीं लगेंगे। हो गया तुम्हारा? पता है तुम्हारे को, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर फर्क सिर्फ किस चीज का है? नजरिए का। तुम्हें पता है मैडम, जब तुमने गैराज में फोन लगाया था ना, तो वहाँ पे मेरा एक भी लेबर खाली नहीं था, और मैं वहाँ पे खाली बैठा हुआ था क्योंकि मालिक मैं हूँ। तो मैंने खुद सोचा कि मैं खुद जाके तुम्हारी हेल्प कर दूँ, क्योंकि मैडम मेरे को ना दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, पर जब मैं यहाँ पे तुम लोगों की हेल्प करी तो तुम तो अपनी सैलरी बता रहे हो मेरे को 45,000 रुपए महीना, और सपने रखते हो तुम 45 लाख वाले। वैसे मैडम, आपकी कार ना ठीक हो चुकी है, मेरे को लगता नहीं है कि आप मेरे को इसके पैसे दोगे, पर मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि उन पैसों को ना किसी गरीब को दे देना कि उनकी मदद हो जाए। और ठीक है मैडम, चलता हूँ।